हेलो साथियों, आज आप लोग को एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के ये इलस्ट्रेशन है इसके विषय में आपको बताने जा रहे हैं कि इस तरह से हम इलस्ट्रेशन का सारा ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आपको हर एक ऑप्शन का एक एक स्टेप करके काम करके बताएंगे किस तरह से आप काम कीजिएगा, क्या होगा, कैसे होगा, आपको सब कुछ बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपका वीडियो होगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हम आ गए हैं एमएस वर्ड में, और एमएस वर्ड में इलस्ट्रेशन का सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर पिक्चर। पिक्चर का काम होता है कि आप किसी भी तरह का पीएनजी पिक्चर है, जेपीजी पिक्चर है, वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसे इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर आप पिक्चर में क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिस डिवाइस से आप अपने कंप्यूटर्स का जहां पर भी आपका वॉलपेपर होगा उस वॉलपेपर को आप ऐसो इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम अपने ड्राइव से पिक्चर्स है ऐसो इंसर्ट कर लेते हैं। कुछ देख सकते हैं हमारे पास ढेर सारा पिक्चर है। इस पिक्चर में हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप इस पिक्चर में क्या कीजिएगा, ओपन करते के साथ आप ऐसो इसका पिक्चर फॉर्मेट खुलेगा। पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पर आपको रैप टेक्स्ट में जाना है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या बिहाइंड टेक्स्ट क्लिक कर लेंगे। इससे क्या है कि आपका ये पिक्चर्स मूव होना चालू हो जाएगा और आप बहुत ही आसान तरीका से इसे रिसाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने रिसाइज किया। अब इस पिक्चर का बैकग्राउंड हमें है सो रिमूव करना है, तो देख सकते हैं ये यहाँ पर पिक्चर से ओपन किए हैं तो ये रिमूव बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। रिमूव बैकग्राउंड से आप जैसे क्लिक कीजिएगा या मास्क एरिया हो जाएगा, जिस एरिया को आपको रखना है सिलेक्शन में, यहाँ पर आप मार्क एरिया के करके आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं स्टेप से। ठीक है, उसके बाद आप ऐसो जब ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ कीप चेंज करेंगे तो देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड है सो रिमूव हो गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पर मिलता है लाइट वगैरह करेक्शन करने के लिए, इस तरह का आपको चाहिए पिक्चर्स का स्टाइल्स। ठीक है, और भी यहाँ बॉर्डर्स है, आप बॉर्डर्स का यूज कर सकते हैं, फ्रेम का यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम पिक्चर इंसर्ट करके इसका बैकग्राउंड को चेंज किए, और इसे हम और सेट करने के लिए क्या करते हैं, लीजिए इसे हम स्टेप से जूम कर ले रहे हैं, इसी का पे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लीजिएगा। और इस पिक्चर में कलर का है सो हम इस टाइप का डाल देते हैं। देखिए, और इसे हम इस जगह पर लगा देते हैं और इसे एक शेप के हिसाब से बॉर्डर कलर देना है, तो आप इंसर्ट में ही आइएगा, यहाँ पर आपको शेप मिल जाएगा। शेप से रेक्टेंगल आप शेप ले लीजिए और इसे हम पूरा कवर कर ले रहे हैं, और शेप फिल से आप कलर आप फिल कर लीजिएगा। ग्रेडियंट फिल कीजिए करते हैं, आप ग्रेडियन में आइएगा, मोर ग्रेडियन कीजिएगा, यहाँ कलर आपको मिल जाएगा। कलर के लिए आप सेट कर लीजिए किस तरह का आपको कलर चाहिए, देख सकते हैं कलर हम यहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है, कलर डालने के बाद आपको है सो रिपोर्ट लाइन से नोट लाइन कर लेते हैं और राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कीजिएगा, पीछे का बैकग्राउंड में ये मूव हो जाएगा स्टेप से। ठीक है, ये हमारा स्टेप का बन गया। इसे आप ऐसो स्क्रीनशॉट करके आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट करने के लिए यहाँ पर देखिए इंसर्ट में ही यहाँ देखिए स्क्रीनशॉट है, इसमें क्लिक कीजिएगा, स्क्रीन क्लिपिंग कीजिएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट करने के लिए यहाँ पीएस बटन दबाइएगा और जितना आपको फोटो चाहिए उतना आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा।
उसके बाद आप इसको पेंट ब्रश वगैरह में खोल के, जैसे पेंट ब्रश से हम खोल लेते हैं विंडोज प्लस आर करके, टी ब्रश लिखेंगे। टी ब्रश लिखने के बाद ऐसो कंट्रोल भी कीजिएगा, पेस्ट हो जाएगा, देख लीजिए। हाँ हम क्रॉप कर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा जो व्हाइट हमारा आ रहा है, और इसे आप सेव करके रख सकते हैं, कंट्रोल एस कर लीजिएगा। इसे हम यहाँ पर डेस्कटॉप में सेव कर दे रहे हैं। तो ये हम काम किए पिक्चर का, और इसी में है सो एक शेप लेके काम किए। चलते हैं दूसरा वर्क करने के लिए, तो हमने यहाँ पर न्यू पेज के फिर इंसर्ट करते हैं, और यहाँ दूसरा वर्क, जैसे यहाँ आइकन लिखा हुआ है, आइकन्स और 3D मॉडल्स के लिए क्या है कि आपके पास नेट कनेक्शन होना चाहिए। आपका नेट कनेक्ट रहेगा तो आइकन्स और 3D मॉडल्स आपका वर्क होगा। आइकन्स में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास नेट कनेक्शन रहेगा। उसके बाद ये लोड लेगा किस तरह का आपको आइकन्स चाहिए, यहाँ पर आपको बहुत सारा आइकन्स मिल जाएगा। और जो भी आइकन्स आपको और सर्च करके चाहिए तो यहाँ पर आप सर्च करके भी ला सकते हैं, जैसे कि हमने बर्ड करते हैं, बर्ड सर्च हो जाएगा। देख लीजिए किस तरह का बर्ड चाहिए आपको, और भी चाहिए आपको, जैसे कार का आपको चाहिए, कार के लिए आएगा। तो ये ऑनलाइन आपका है सो आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब जो भी आइकन को आपको इंसर्ट करना रहेगा आप उसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, इंसर्ट कीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये आने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से रैप टेक्स्ट कीजिएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसे बड़ा छोटा जो भी करना है आप कर सकते हैं। कलर आपको फिल करना है, कलर आप फिल कर दीजिए। तो ये आप है सो ऑनलाइन है सो आप आइकन ला सकते हैं। और यहाँ पर है सो नेक्स्ट आते हैं 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर भी है सो आपको किस तरह का आपको चाहिए, जैसे देखिए ड्रैगन का है, यहाँ पर आप ले लीजिए। और भी बहुत सारा यहाँ पर है, जैसा आपको चाहिए उसमें क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिएगा। इंसर्ट जैसे कीजिएगा ये लोड लेगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद लोड कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास ये सामने दिखने लगेगा। देख सकते हैं लोड ये है सो लगभग ले लिया, और इस जगह पर देखिए ये है सो 3D है। अब इसे जिधर घुमाइएगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको दिखेगा। अभी स्क्रीन में आपका है सो चलाते रहिए। ये है 3D मॉडल्स। एमएस ऑफिस का नया पे आया है ऑप्शंस, ये आइकन्स प्लस है 3D ऑप्शन मॉडल्स, तो आप इस टाइप का आप इंसर्ट करके रख सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट बना के आप तैयार कर सकते हैं। और भी आपका यहाँ पर 3D मॉडल्स है, 3D मॉडल्स में और क्लिक कीजिएगा जिस तरीका का चाहिए। यहाँ पर और भी है, इमोजी वगैरह है, और भी है। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर ये आइकन्स लेते हैं, आ गया। अब इसे भी आप ऐसे इस टाइप से मूव कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो 3D मिल रहा है ये सब क्या है कि आपका खास प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको मिला है। बहुत सारे कम ही जानते हैं कि इस टाइप का भी ऑप्शन से होता है सो लीजिए। नहीं रखना रहेगा तो आप डिलीट कर सकते हैं। आप इसे जैसे इधर से मूव हो रहा है इसे आप रोटेट कर दीजिए। चलिए ये हो गया 3D मॉडल्स के विषय में। अब आते हैं स्मार्ट आर्ट के विषय में। स्मार्ट आर्ट में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिलेगा किस टाइप का आपको चाहिए। तो आप है सो यहाँ पर जैसा आपको लिस्टिंग चाहिए तो वैसा आप लिस्ट वाला ले लीजिए ऑप्शंस। प्रोसेस बार भी है, आप इसे चूज करते हैं कर सकते हैं। साइकिल से है, आप इसे चूज कर सकते हैं। उसके बाद है सो यहाँ पर आप है सो जैसे हम एक ले लेते हैं सिंपल सा, ये यहाँ पर आपको कुछ नेम लिखना रहेगा तो आप नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लिखना रहेगा वो आप लिख सकते हैं।
कुछ फोटो इसका बैकग्राउंड में आपको लगाना रहेगा, तो आप इस ऐप में क्लिक रखिएगा, फॉर्मेट में जाइएगा, सैफिल जाइएगा, पिक्चर जाइएगा, आप यहाँ से अपने हिसाब से पिक्चर आप डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप उसी तरह से आप पिक्चर से सेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्या है कि आप पिक्चर भी आप लगा सकते हैं और उसमें आप टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, और भी यहाँ बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं, आप उसे भी तैयार कर सकते हैं। चलिए ये हो गया स्मार्ट आर्ट के विषय में, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है चार्ट। चार्ट में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको चार्ट फॉर्मेट मिल जाएगा, आप चार्ट फॉर्मेट चूज कर लीजिएगा और ओके कीजिएगा। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर है सो आपका चार्ट फॉर्मेट खुल जाएगा और इसमें डेटा एंट्री करने के लिए आपको मिल जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं, यहाँ पर हम है सो टाइप यदि करते हैं, जैसे कि हमने 2000 टाइप किए, 2001, 2002 करते हैं, 2003, इस टाइप से। अब यहाँ पर नीचे देखिए आते जा रहा है, हम इसे सेट करके दिखाते हैं। अब इसमें है सो आप कॉलम्स आपको चाहिए, तो जैसे कि हमने कॉलम्स के लिए ये तैयार कर रहे हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस टाइप से है सो इसे आप रेडी कर सकते हैं, इसे छोटा कर रही है, और भी है सो इसमें स्टाइल आप सेट कर सकते हैं। स्टाइल को और सेट करने के लिए यहाँ पर देखिए कलरफुल कर लीजिए, ऐसा आपको कलर चाहिए, या तो आपको चार्ट कलर का चाहिए तो चार्ट डिजाइन बना लीजिए, या चार्ट का और भी है सो स्टाइल से है, आप उस स्टाइल से कर सकते हैं। चार्ट टाइटल यहाँ पर आप लिख दीजिए, चार्ट टाइप आपको चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए चेंज टाइप जाएंगे चार्ट टाइप में, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से जैसे लाइन का आपको चाहिए आप इस टाइप का आप चूज कर लीजिए, ओके कीजिएगा, आपको इस टाइप का फॉर्मेट में रेडी कर देगा। और भी आपको चेंज चाहिए तो आपको इस टाइप का भी आपको चार्ट मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये आपका है सो चार्ट का आप काम कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप इस तरह का आप यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका एक लास्ट ऑप्शन से बचता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आप क्लिक कीजिएगा, स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका है सो इस टाइप से हो जाएगा, और आप स्क्रीन को जैसे कोई पार्ट हमें चाहिए तो जैसे मान लीजिए इसे चाहिए, इसे क्लिक कीजिए, देखिए सेलेक्ट कर रहे हैं हम, और यही हमारा है सो चार्ट टाइप में आ जाएगा। इसे आप टेक्स्ट रैप में जाके आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिए, आप इसे यहाँ लगा सकते हैं। तो ये एक स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पर ये आपका स्क्रीनशॉट का विषय में ये हुआ कि आप किसी भी तरह का आप स्क्रीनशॉट करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन में क्या है कि इतना सारा ऑप्शंस का आपको है सो आपको बताएं हम। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। चलिए इसी तरह का हर एक का आपका टूल्स के विषय में आपको नेक्स्ट वीडियो बताने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं।